आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानेब और आपको बताएं कि सुंदेला वाली डीपीओ टोबा टेक सिंह राणा उमर फारूक का थाना आरोपी कब्रिस सेट आवाम के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुंदेला वाली सुहेल आबाद से। जी सुहेल बताइएगा। फारूक ने टोबट थाना रोहते का जो विजिट किया है और यहाँ जो है अमले की जो डिप्टी को चेक किया और इमारत का जायजा लिया है। मेरे साथ डीपीओ टोबट से मौजूद मजीद उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आपको मालूम है थाना आरोती जो है आज से 34 साल कबल तमीर हुआ और उसके बाद इसके अंदर किसी किस्म की रेनोवेशन नहीं की गई। इसकी वजह से थाने की बिल्डिंग जो है मखदूश हो चुकी थी, छतों से पानी लीक हो रहा था और वाशरूम्स की भी अबतर सूरत हाल थी। तो इस हवाले से आपने देखा है कि SHO जीवन खान ने मैंने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको बहुत जांफशानी के साथ काम किया और उसने थाने की 9 जो है तमीर कर दी है, जिसमें वॉशरूम्स को रिपेयर कर दिया गया, पूरे थाने की पेंट जो है वो उसको दोबारा किया गया, वायरिंग जो है वो बाकायदा तौर पर सारे थाने की रिन्यू कर दी गई। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये थाना ऐसे मालूम होता है शायद कि ये पिछले साल ही नया तमीर हुआ था। तो इसमें मेरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ज़िला के बाकी थाना जात में भी इस तरह के जो बिल्डिंग रिपेयर और मेंटेनेंस के जो मामला हैं उसको बेहतर किया जाएगा। जिस तरह आपने डीपीओ टोबा टेक सिंह की बात सुनकर कहना है हमारा जो है जो हमारा मुलाजमीन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम जो है थाना रोहती का जो है बिल्कुल हमारा भी दुरुस्त। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत पंजाब की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोकी ने हवा में उड़ा दिया। पूरा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राणा जफर से। जी जफर बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामोकी रेलवे रोड पर और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कूड़े खिड़कर के ढेर लगे हुए हैं और जिसकी वजह से यहाँ से तफन उठ रहा है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला भी हो रहे हैं। तो इस हवाले से कई दफ़ा जो अहले इलाका हैं वो कॉरपोरेशन इंतज़ामियों को इन्फॉर्म भी कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँगा, यहाँ से सुबह के टाइम जो लेडीज़ हैं और बच्चे हैं और स्कूल और कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर जो कॉरपोरेशन इंतज़ामिया वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई, अहले इलाका से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था के जो इंतज़ामिया वो मेन जीटी रोड को तो साफ़ कर देती है क्योंकि वहाँ से ऑफिसर ने गुजरना होता है तो सब अच्छे की रिपोर्ट के लिए वहाँ तो सफाई कर दी जाती है लेकिन अहले इलाका जो शहर के इलाके हैं वो गंदगी से भरे हुए हैं। इसलिए हमारा हुकूमत पाकिस्तान और जो जो इसके ज़िम्मेदारान हैं इदारे हैं उनसे हमारा मुतालबा है कि खुदारा इन इलाकों को साफ़ किया जाए, यहाँ से गंदगी को उठाया जाए ताकि यहाँ पर लोग जो है एक साफ़ सुथरे माहौल में। शहरियों का मुतालबा है कि गंदगी को उठाया जाए। बहुत शुक्रिया राणा जफर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ठठा सिटी में शहरियों के लिए बनाया जाने वाला आरओ प्लांट नाकारा हो गया। शहरी वाटर सप्लाई का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सदाम हुसैन से। जी सदाम बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठठा सिटी के इस्लामपुर मोहला में। यहाँ पर जो है 2012 में हुकूमत सिंध की जानब से आरओ प्लान की स्कीम जो है वो लगाई गई थी, शहरों को साफ पानी फराहम किया जाता था, जबकि जो 5 साल का अरसा गुजर गया है आरओ प्लान बंद किया गया है। जब हमने वजह जानने की कोशिश की